लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर आए और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। दोस्तों सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले 28 जनवरी को होने जा रहा है। अब इस शो में सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। ऐसे में दर्शक दावा कर रहे हैं कि शो का विनर मुनव्वर फारूकी या फिर अंकिता लोखंडे में से एक हो सकता है। लेकिन अब मुनव्वर फारूकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे एक इंस्टा यूजर ने अपने इंस्टा पर शेयर किया है। वीडियो की वजह से अब मुनव्वर के हाथों से बिग बॉस 17 की ट्रॉफी फिसलते हुए नजर आ रही है। साथ ही दर्शक उनको खूब खड़ी खोटी भी सुना रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, मुनव्वर फारूकी का ये वीडियो काफी पुराना है, पर वीडियो में वो भगवान राम जी और माता सीता पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब मुनव्वर का ये वीडियो पहली बार सामने आया था तब भी खूब बवाल मचा था। इस वीडियो को देख भड़के लोगों ने तो मुनव्वर की गिरफ्तारी की भी मांग कर दी थी। अब शो के फिनाले से कुछ दिन पहले ये वीडियो फिर से चर्चाओं में आ गया है। ऐसे में बिग बॉस 17 के दर्शक मुनव्वर फारूकी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने तो वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि सनातनी इसे कभी माफ नहीं करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस 17 में अभी अंकिता लोखंडे, मनारा चोपड़ा, अभिषेक कुमार, अरुण मा शेट्टी और मुनव्वर फारूकी ही बच्चे हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जीत का ताज आखिर किसके सर पर सजता है। तो कि दोस्तों बिग बॉस का विनर आप किसे देखना चाहोगे, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कमेंट करें। और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।